हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एसोल के बहुत सारे स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के अब अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं जो कि नवंबर और दिसंबर में DU की ओर से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम जो है आपके COVID-19 पेंडेमिक के कारण आप सभी के ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और सबसे पहला जो आप लोगों का ओपन बुक एग्जामिनेशन 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था, फिर आपने 2020 में मार्च में खुद ही चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स ने दिया, अब 2021 में फिर से ये ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज आप लोगों के लिए हो रहे हैं तो इसमें थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स वो गलतियां ना करें जो हर साल बच्चे गलती करते हैं और उनकी उन गलती की वजह से उनका पूरा साल बर्बाद जाता है। और आप सभी को इस छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम इस PDF के बारे में बात करेंगे जो कि SOL की वेबसाइट पे SOL की ओर से आप लोगों के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन से पहले एक सलाह के रूप में अपलोड किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे इसे लाइटली ना ले। 15 ऐसी महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी हुई है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये एडवाइजरी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समय, टाइम, ड्यूरेशन, इसके अलावा PDF, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों के लिए SOL ने इंक्लूड करा है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से पहले ही बता दूं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना अब तक SOL के लिए एग्जामिनेशन के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए अपना अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को जाकर। इसका लिंक जो है डायरेक्ट आपकी SOL के स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर भी प्रोवाइड है और कुछ देर में आप लोगों को SOL की वेबसाइट पर ये बाहर ही पॉपअप होता हुआ दिख जाएगा। इस पर काम चल रहा है, SOL की वेबसाइट अभी फिलहाल इसी वजह से बंद है। दूसरी चीज़, आप सभी ये चीज़ सुनिश्चित कर लें सभी बच्चों को। दूसरी बात, ये बात कही गई है कि भाई जो भी आपने पंजीकरण यानी जो रजिस्ट्रेशन किया है वो आप लोग रजिस्टर जो आपने किया है वो आपके पास में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास में लिंक जो है, आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिंक होंगे या जो फर्दर अगर आप किसी भी कारणवश आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, आप अपना आंसर अपलोड नहीं कर पाए तो आप जब अपने रजिस्टर्ड ईमेल से भेजेंगे तो SOL तभी उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर आप चाहेंगे कि भाई मेरा पेपर तो हुआ नहीं और मैं क्या करता हूँ इस वाले फ़ोन से कर देता हूँ, लेकिन अगर वो वाला फ़ोन जो है SOL ने कंसीडर नहीं किया तो आप ध्यान रखना कि आपकी ईमेल आईडी उनको पता होनी चाहिए और इसी ईमेल से आपको करनी है। दूसरी बात, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तीसरी बात आप लोगों के लिए कही गई है कि भाई जो भी आप अपने आंसर्स को लिख रहे हो, पहली बात तो आप ध्यान रखना आपके 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे आपको। SOL बार बार ही गलती करता है अपने आंसर्स में क्योंकि पॉलिटिकल और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर एजुकेशन इकोनॉमिक्स, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट आप एग्जाम दे रहे हो जो कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंदर है तो वहां पर आपका मिस प्रिंट होकर आता है और वहां पर 3 क्वेश्चन लिखना लिखा हुआ आपका आता है। आप ये गलती से बचें, आपको पूरे 4 क्वेश्चन अटेंड करने ध्यान रखना है। और आपके पेपर में अगर 75 नंबर का लिखा हुआ आए तो आप ये मत सोचना कि हमें 75 नंबर के हिसाब से लिखना है, आपका पेपर 100 नंबर का होगा और 100 नंबर के हिसाब से ही आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे तो आप उसी हिसाब से जितना अच्छा और जितना बड़ा आंसर लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश करना क्योंकि देख के तो हर कोई लिखेगा तो उनको कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए होंगी। दूसरी चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने आंसर्स को अपलोड करते हो अपने OBE के पोर्टल में तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें खास और विशेष रूप से ध्यान रखनी है सभी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर विशेष बात आप लोगों के लिए क्या है, मैं आप लोगों को यहीं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ। विशेष बात यह है कि आप अपने आंसर लिखा, हो सकता है 7 पेज का लिखा, 8 पेज का लिखा एक आंसर, कुछ बच्चे की राइटिंग स्पीड अच्छी होती है तो वो 10-10 पेज तक भी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें आंसर मिला होता है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले से लिख के भी आंसर रखते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो आंसर का जो PDF है वो 7 MB से ज़्यादा बन जाता है। तो गाइस, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक ही आंसर के मल्टीपल PDF बना सकते हैं Part 1 Part 2 करके और आप वहाँ पर कितनी भी PDF अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूँ, आप लोग 6 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, 6 में से आपको 4 करने होंगे और जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे ही होगा ऑप्शन अपलोड करने का, आपको वही चूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पहला आंसर तीसरे में अपलोड कर दिया, दूसरा आंसर चौथे में अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर
आप बच्चों आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि भाई जब भी आप लोग अपना आंसर अपलोड कर रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि सीरियल नंबर ठीक हो। दूसरी बात, आपने कोई भी पासवर्ड क्रिएट किया है PDF में तो वो काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं या जो PDF बनाने का काम करते रहते हैं उन्हें पता है कि हम अपने हमारे आंसर कोई और चोरी ना कर ले, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी PDFs में पासवर्ड लॉक लगा के रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो अपना जैसा आपका आधार कार्ड होता है उसी तरीके से, तो कृपया अपने जो भी PDF है आपका उस पर आप अपना पासवर्ड ना डालें, पासवर्ड क्रिएट ना करें, नॉर्मली हर कोई उसे ओपन कर सके, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी अगली बात इसमें बताई गई, ये सलाह दी जाती है कि प्रत्येक प्रश्न की जो शुरुआत है वो आपको नए पेज से करना है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 पेज का एक उत्तर लिखा और 8वां पेज जो है इतना ही हुआ तो मैं अब अगला क्वेश्चन जब मैं लिख रहा हूँ तो इसी के नीचे स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं करना। एक नया क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन की अलग अलग PDF बनेगी, आप कंबाइंड PDF मत बनाना, ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको ये भी बात कही जाती है कि आप हर एक PDF का जो रीनेम करेंगे तो उसमें आप लोग क्या करें, उस क्वेश्चन का नंबर डाल दें, या उस क्वेश्चन को पूरा तो लिखना संभव नहीं है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर नंबर 1 जिस भी हिसाब से आप डालना चाहें आप उस हिसाब से उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर यही चीज़ आप लोगों के लिए 6वें पॉइंट्स में की गई है। 7वें पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई मुझे अपने OBE के जो पेजेस होंगे उस पर क्या क्या डिटेल्स लिखनी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई क्योंकि प्रत्येक उत्तर के लिए PDF फाइल बनानी होती है, इसीलिए सुनिश्चित कर लें कि उत्तर की पहली शीट पे आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ देख लें, 6 चीज़ें आपको पहली शीट पे लिखनी है। सबसे पहला आप लोगों को परीक्षा की तिथि और समय, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, यानी इवनिंग का मतलब यह है कि वैसे तो आफ्टरनून से ही शुरू हो जाएंगे, 2:30 बजे से आपके लगभग वो इवनिंग तक चलने वाले हैं। तो आप लोगों को 6 चीज़ें, आपका डेट एंड टाइम, आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, सेमेस्टर और ईयर, और इसके साथ में आपका पेपर का शीर्षक का मतलब है पेपर का टाइटल, पेपर का नाम क्या है, पॉलिटिकल सिर्फ नहीं लिखना, जैसे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का नहीं होता है तो पेपर का शीर्षक ध्यान रखना। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर पे आएगा, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो उस टाइम आप लोगों के लिए आ जाएगी। अगली चीज़, आपका यूनिक पेपर कोड जरूर लिखना है, यानी पेपर का हर एक कोड होता है, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पे आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसकी कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको आपके एग्जाम में सहायता के लिए आप लोगों को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में आप लोग सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि भाई परीक्षा का रोल नंबर, परीक्षा का पेपर कोड और परीक्षा का पेज नंबर, ये 3 चीज़ें आप अच्छी तरीके से इसमें लिख लें। इसके साथ साथ अगली चीज़ ये भी ध्यान रखें कि कृपया उपरोक्त उत्तरों को छोड़कर व्यक्तिगत जानकारी ना लिखें, यानी जो भी आप लोगों को ये कहा गया है आप सिर्फ यही डिटेल लिखें, आप इसमें व्यक्तिगत जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर कोई भी उत्तर पुस्तिका पर ना लिखी हो, कोई भी पर्सनल विवरण आपका ना लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई आप सभी OBE का पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे, सबके इंटरनेट 4G के ज़माने के अच्छे इंटरनेट हैं, बट यहाँ पर दिक्कत यह है कि OBE का जो पोर्टल है वो खुद ही रिस्पॉन्स नहीं करता और जानबूझ के ये चीज़ें लिख रहे हैं, ये मेंशन कर रहे हैं खराब इंटरनेट किसी का नहीं है, मोस्टली 4G के ज़माने में सबके इंटरनेट ठीक ठाक चलते हैं, कुछ एक को छोड़ दे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्वर इनका बहुत ख़राब रहता है, तो आप लोग पेपर जो है वो जो दिया गया समय उसी के भीतर कर लें और उसे अपलोड कर लें। यहाँ पर आप लोगों को पेपर लिखने के लिए 3 घंटे दिए हैं, इसके अलावा एक जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है, 9:30 पे शुरू हो रहा है तो आप 12:30 तक तो पेपर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप 1:30 तक यानी 12:30 से 1:30 तक इस बीच में आपको स्कैनिंग और अपलोडिंग का काम करना है। अगर आप इस बीच में नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बीच में नहीं कर पाते तो एक बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो जाएगी कि भाई आपको 1:30 बजे के बाद अगर आपने 1:30 बजे से आप 2:30 बजे तक पेपर अपना अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते, इसमें भी नहीं कर पाते, भाई देखो तो 1:30 से 2:30 का समय होगा, उसमें आपको प्रूफ सबमिट करना होगा, और प्रूफ सबमिट करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, प्रूफ नहीं मिलता तो आप लोग जब भी अपने आंसर अपलोड करें तो आपको या तो आपके फ़ोन में ही ऑप्शन होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, या फिर आप प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे आप लोगों को जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऐप होते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लें और जब भी आप लोग अपने आंसर्स को अपलोड करें तो उसको क्या करें, उसको ऑन कर लें, ताकि अगर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, आपके फ़ोन में ओपन नहीं होता तो आप बाद में भी ईमेल पे भी 2:30 बजे के बाद भी भेज सकते थे। बहुत सारा समय आपको मिला है, लगभग मैं बताऊं तो 5.5 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिले ईमेल को लगाकर, क्योंकि 3 घंटे लिखने के लिए, 1 घंटा आपको स्कैनिंग अपलोडिंग, और इसमें नहीं हो पाया तो 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिला है,
लेकिन उसमें आपको एविडेंस लगाना होगा, प्रूफ लगाना होगा, और इसमें भी नहीं हो पाता आपका किसी कारणवश वेबसाइट फिर भी ख़राब रहती है, तो आधा घंटा आप लोगों के ईमेल के लिए दिया गया है। ईमेल कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा, आपकी जो स्टूडेंट डैशबोर्ड में उसके अंदर ये आएगा, तो वो ऑप्शन आप लोगों को गो थ्रू करवा दिए जाएंगे, आप लोगों को बता दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले ही। क्योंकि वेबसाइट हो सकता है कि SQL की भी ना खुले, तो आप अगर उस दिन ढूंढोगे तो उस दिन आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि भाई ईमेल के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं जो PWD की कैटेगरी में आते हैं, उनको और एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो उन्हें लगभग 6 घंटे 6.5 घंटे का समय मिला है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया है, इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम का टाइमिंग है 9:30 से 12:30 तक, इसके बाद में 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिला है, और इसके बाद में ये जो 1 घंटा आप लोगों को दिखाया गया है कि ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पोर्टल पे नहीं कर पाए, और उनको एविडेंस लगाना ज़रूरी है। एविडेंस कैसे मिलेगा तो आप लोगों को बता दूं मैं कि आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है अपलोड करने से पहले, क्योंकि एक बार जब वेबसाइट क्रैश हो गई तो आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आप लोगों को जब मेल पे आप भेजोगे आप, तो कैसे भेजना होगा उसके लिए भी आप लोगों को मैं वीडियो प्रॉपर मैनर में आप लोगों को बता दूंगा। कल आपका एग्जाम है, आपको कल ही इससे पहले ये चीज़ें सारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर परीक्षा का सत्र, अब भाई जो दोपहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे दोपहर में 2:30 से 5:30 बजे तक पेपर है, फिर 1 घंटा आपको स्कैनिंग अपलोडिंग के लिए मिल गया, फिर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पर पोर्टल में अपलोड नहीं कर पाए, फिर भी पोर्टल नहीं खुला तो आप लोगों के पास में 8 बजे रात तक का टाइम है। आप 8 बजे रात तक क्या कर सकते हैं, आप ईमेल पर भेज सकते हैं, लेकिन 8 बजे के 1 मिनट बाद भी ये चीज़ नहीं होगी। और मॉर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए भी सिमिलर है कि भाई 3 बजे के बाद 1 मिनट भी हो गया तो आप नहीं कर सकते। तो गाइस नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12 नंबर, तो ये 12 नंबर सिंपली आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स वे सभी स्टूडेंट्स जो हैं जो अपना आंसर्स अपलोड कर रहे हैं और उनको फिर भी दिक्कत हो रही है पोर्टल में, तो उसके लिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्योंकि रेड कलर से आप लोगों के लिए मार्क होकर आया है, कृपया अपनी उत्तर पुस्तिका PDF केवल DU के पोर्टल पे ही जमा करना है। आपको कोई कहे कहीं और कर दो, यहाँ मुझे भेज दो, मैं भेज दूंगा आगे, कोई टीचर कहता है, कोई यूट्यूबर कहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़, यदि आप समय सीमा के भीतर ही अपलोड करने में विफल रहते हैं तो केवल उस स्थिति में PDF को ईमेल आईडी पर भेजा जाए, यानी जो मैंने आपको बताया जो आप लोगों को 5वें घंटे के बाद का जो समय है वो ध्यान रखना है आपको, तभी आपको भेजना होगा। ईमेल सबमिशन आप लोगों जो तभी चेक होगा ईमेल का पेपर जब आप लोगों का देखा जाएगा कि पोर्टल पे नहीं आया, क्योंकि प्राथमिकता पोर्टल को ही दी जाएगी, इसको प्राथमिकता इतनी नहीं दी जाएगी। अगर आप अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता दूँ, अगर आपने एक भी आंसर वहाँ पर अपलोड कर दिया और बाकी नहीं कर पाए तो भाई आपका उसी का माना जाएगा, इधर का नहीं माना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि सर हमने गलत आंसर अपलोड कर दिया, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। यहाँ पर यदि कोई अपने पोर्टल पर पहले ही PDF जमा कर देता है तो ईमेल पर ना भेजें, ये चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर करा दी गई है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी आप लोगों के लिए आपकी कॉलेज विश्वविद्यालय की ओर से जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसको कृपया देखते रहिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप उसको समझने में असमर्थ रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेगी। बाकी पेपर में कैसे कहाँ पर कौन से तारीख को कैसे पेपर भेजना है अगर आप लोग नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम में जितनी आप लोगों के लिए सहायता हो सकती है वो सहायता ज़रूर करवाई जाएगी। चलिए गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।